कुंडली बॉर्डर से निकाली जा रही कांग्रेस सेवा दल की यात्रा हरियाणा के जिला करनाल में पहुंच चुकी है। बता दें कि ये यात्रा कांग्रेस सेवा दल की ओर से कृषि के क्षेत्र में लाए गए 3 काले कानूनों के विरोध में निकाली जा रही है। ये यात्रा कुंडली बॉर्डर से शुरू होकर चंडीगढ़ कांग्रेस मुख्यालय तक जाएगी। इस दौरान यात्रा के करनाल पहुंचने पर राजीव गांधी चौक पर करनाल की टीम के सहयोग से जोगिंदर चौहान के नेतृत्व में पौधारोपण किया गया। इस मौके पर कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष पूनम चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि ये यात्रा देश के कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सद्बुद्धि देने के उद्देश्य से निकाली जा रही है, ताकि वह किसानों की मांग को जल्द से जल्द पूरा करें। उन्होंने कहा कि ये यात्रा कुंडली बॉर्डर से प्रारंभ हुई और इस यात्रा में दिल्ली के 4 बॉर्डर जहां पर किसान बैठे हुए हैं उनके पैरों की मिट्टी लाकर करनाल के राजीव गांधी चौक पर पौधारोपण किया गया है और किसानों के चरणों की मिट्टी इस पौधे में डाली गई है। उन्होंने कहा आगे ये यात्रा कुरुक्षेत्र ब्रह्म सरोवर पर जाएगी, जहां देश के प्रधानमंत्री को सद्बुद्धि देने के लिए हवन यज्ञ किया जाएगा। उसके बाद ये यात्रा चंडीगढ़ कांग्रेस मुख्यालय पर संपन्न होगी। यहां हम आपको बता दें कि कांग्रेस सेवा दल द्वारा किसानों के हितों की रक्षा के लिए अपना सहयोग दिया जा रहा है और इस यात्रा के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री को जगाने का काम किया जा रहा है। इस मौके पर बड़ी संख्या में करनाल से भी कांग्रेस सेवा दल के सदस्य यात्रा में शामिल हुए। सेवा का मुख्य उद्देश्य ये है कि कांग्रेस वो लड़ाई लड़ रही है जो किसान लड़ रहे हैं। किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कांग्रेस चल रही है। कांग्रेस सेवा दल की ये ड्यूटी लगी है कि हर जिले वाइज मिट्टी लेकर, किसानों की धूल की मिट्टी लेकर वे यहाँ पर आए, यहाँ पर एक पौधा लगाए। यहाँ तो हमने राजीव गांधी चौक पर पौधा लगा दिया है, इसके बाद PCC में लगेगा। और ये जो यात्रा है सारी की सारी, हमारे प्रभारी राजेंद्र रासरानिया जी चेयरमैन है, महासचिव है ऑल इंडिया कांग्रेस सेवा दल के, इनकी देखरेख में चल रही है। कहां से कहां जा रही यात्रा उनकी? ये चली है कुंडली बैरियर से और अब चंडीगढ़ जाएगी PCC में। बीच में हर बैरियर पे जहाँ पर टोल है या किसान लंगर लगाए हुए हैं वहाँ पर रुकती हुई जाएगी। इन्होंने आज के दिन कुरुक्षेत्र हवन करना है, उसके बाद चंडीगढ़ के लिए रवाना होंगे। और उसका मुख्य उद्देश्य है कि किसानों को बचाए और इनको सद्बुद्धि मिले भाजपा को, जिससे कि ये भाजपा सरकार जल्दी से फैसला करके कांग्रेस के किसानों के हक में, किसानों की सहमति से फैसला करके किसानों को। हम टीकरी बॉर्डर पर गए पिछले माह, सारे बॉर्डर कंप्लीट करके कल हम सिंधु बॉर्डर से चलते हुए करनाल पहुंचे। हमारे बीच हमारे प्रभारी जी किसान संघर्ष यात्रा कांग्रेस सेवा दल परिवार राष्ट्रीय स्तर पर निकाल रहा है सभी प्रदेशों में। हरियाणा प्रदेश की यात्रा का आज चौथा पड़ाव है। यहां से हम ब्रह्म सरोवर जाएंगे, जहां जाकर हम मोदी जी, नरेंद्र तोमर जी और अमित शाह जी को शुद्ध बुद्धि आए ये कामना का एक हवन करें। उसके बाद इसी यात्रा को ले जाते हुए हम अम्बाला, पंचकुला, यमुनानगर होते हुए चंडीगढ़ कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय पर इसके एक पड़ाव का समापन करें। यहाँ पेड़ पौधा रोपण किया गया। चारों अलग अलग बॉर्डर से किसान भाइयों के पैरों की धूल, जो कि हमारे मस्तक का टीका है, जो हमारे अन्नदाता हैं, हमें अन्न देते हैं, हमारे भगवान हैं, उनके पैरों की धूल हम लाकर जो अमृत के समान है, वो सेवा दल के सभी सिपाही अलग अलग जो हमारी टुकड़ियाँ बनी हुई थी चारों बॉर्डर से, सिंधु बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर, कुंडली बॉर्डर से हम ये धूल लाकर हमने आज एक पौधा लगाया है आज राजीव गांधी जी के पार्क में, जो सदा महिलाओं के, किसानों के हक की लड़ाई लड़ते थे। क्या नाम है आपका पूरा? डॉक्टर पूनम चौहान, प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस सेवा दल हरियाणा। जो सेंटर सरकार ने 3 कालो कानून पास कर जो हमारे अन्नदाता, जो देश को चलाने वाले किसानों को मारू नीति लेकर आए, इनके विरोध में हरियाणा प्रदेश कांग्रेस सेवा दल संघर्ष में है और हम किसानों के साथ हैं। जब तक वो काले कानून वापस नहीं लेंगे हम इस बात पर अड़े रहेंगे, चाहे हमें अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़े, पर हम ये काले कानून वापस करवा के रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। Banquets lie hai. Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.